साथ वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज क्या सीखें, आज क्या सीखें में जितने भी हमारे पास आर्टिस्ट्स आते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसे इंसान को आपसे मिलवाएं जिनकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी हो। और इनकी एस्थेटिक सेंस इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे अभी आप इनके प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, कैंडल्स देखेंगे, नॉट जस्ट कैंडल्स बट बहुत सारी और भी चीज़ें ये बनाती हैं। आर्टिलिशियस के नाम से इनका पेज है। मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको पहले भी कहा था, आई लव द नेम ऑफ योर पेज आर्टिलिशियस। मुझे याद है, आर्टिलिशियस, आर्ट आर्टिलिशियस, सच अ ब्यूटीफुल नेम। एंड आज आप जो हमें कैंडल बना के लाई हैं, कैंडल तो बनी है लेकिन उसके ऊपर आप उसके डिजाइनिंग सिखाएंगी हमें। जी जी, उसको कैसे डेकोरेट करेंगे, उसके ऊपर डेकोपाज आर्ट कहलाता है ये, कैसे इसको करेंगे हम, ताकि हम जैसे डेकोरेटेड कैंडल्स होती हैं तो दो तरह से होता है ये, एक ग्लू से होगा और एक हम एम्बॉसिंग टूल यानी हीट से करेंगे। ओके, ये वाला देखें, ये जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो आर्ट है यहाँ पे, ये हमें बनाना सिखाएंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैंडल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, घर पे कोई आ रहा है आपने जला दी, या फिर अगर आपने नहीं भी जलाई उसको एज इट इज़ आप अपने पाउडर रूम में रख सकते हैं। और मेरे जैसे लोग ऐसे करते हैं जब वो बहुत स्पेशल वाले मेहमान आते हैं, जला दी और जैसे ही बस उन्होंने एक बार देख ली, थोड़ी आँख बचा के चुपके से ऑफ कर दी। चलिए जी, यहाँ पर जो है आप इसको प्लीज़ बनाना स्टार्ट कीजिए। और वो चीज़ क्या आपने रखी है वो भी दिखाइएगा प्लीज़। ये तो इसको डेकोरेट करने के लिए कहीं मुझे ऑप्शन हम देख सकते हैं थोड़े। जी जी, अच्छा, कहीं कहीं बीट्स लगाने हो जो आपको नीचे वगैरह इधर। ये देखें, ये कैंडल्स को डेकोरेट करने के लिए ये इनके पास बीट्स हैं। और ये एज इट इज कहीं से भी मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ से जाके खरीद सकते हैं? वैसे तो अब ऑनलाइन बहुत अच्छा मिल जाता है, हमारे जैसे अनारकली क्राफ्टिंग है, क्राफ्ट सर्कस है, ऐसे बहुत सारे, ये तो दो फेमस इसलिए कि सब यहीं से ही लेते हैं। ओके, माशाल्लाह सारा आर्ट का सामान यहाँ से मिलता है। ठीक है, और क्योंकि घर बैठे आ जाता है, बहुत अच्छा है, सहूलत है हम लोगों को, वरना तो खौरी होती है, हर इधर एक शॉप है तो एक शॉप दूसरी तरफ है, बस भागते रहो। और ये कौन सी आपने शॉप्स बताएंगे हमें? ये अनारकली क्राफ्टिंग के नाम से है और एक क्राफ्ट सर्कस है, और बहुत सारी हैं, और देखिए ये दो जैसे। मकसद हमारा ये होता है कि देखिए आपको इस पर कोई देख रहा है ना यासमीन, और उसका दिल चाह रहा है बनाने को, अब वो कह रहे हैं कि हमें तो शो में बताया ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। ये सब चीजें ऑनलाइन इनके पास से मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी। ठीक है जनाब। अच्छा, पहले मैं एम्बॉसिंग टूल होता है ये, हम लोग क्राफ्टर्स यूज करते हैं उसको ना, तो ये हम इसको मैं हीट, बेसिकली ये हेयर ड्रायर टाइप होता है, लेकिन हेयर ड्रायर जरा ज्यादा वो हैवी होता है, तो ये थोड़ा सा हमारे क्राफ्ट के लिए। जी जी ठीक है। तो पहले दो तरह से होती है, पहले मैं आपको जो है हीट वाली सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम ग्लू से सिखाएंगे कि ग्लू से हम नैपकिन कैसे लगाएंगे उसके ऊपर। ये आपने एक नॉर्मल सी कैंडल, बिल्कुल प्लेन वाइट है, आसानी से आपको मिल जाती है। जी, उसको आपने उसको लाइट टच कैसे देना है, आपने उसके पैक में से उसको निकाल के, बहुत अच्छा पैक किया है, जबरदस्त, बहुत ही महंगी वाली कैंडल चाहिए। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, आजकल मिल नहीं रही थी। हम लोग जो जितनी भी प्री लव मार्केट्स होती है ना, जैसे संडे बाजार हो गया, इस तरह की चीजें, वहाँ पे कैंडल्स मुझे थोड़ी सस्ती लगती हैं, तो मुझे प्लेन वाली कैंडल्स होती है वो मैं ले लेती हूँ, तो बिल्कुल उनके साथ भी ये हो सकता है, अपनी मर्जी का फिर आप डिजाइन उस पर बना सकते हैं, जो कि अभी आपको यास्मीन बनाने से सिखाएंगे। अच्छा, इस पर वही हम नैपकिन से ही करेंगे, डेकोपाज आर्ट जो कहलाता है। और इस पेपर को क्या कहते हैं, आपने क्या बताया? ये तो राइस पेपर है, जो इस पर वही भी राइस पेपर। ठीक है, और ये नैपकिन, नॉर्मल नैपकिन जो होते हैं, ठीक है, जो भी आपके घर पे नैपकिन हैं, एक दो बच जाते हैं, हम कहते हैं कि किसी के साथ मैच नहीं हो रहे, कैसे हम डाइनिंग टेबल पे रखें, डू दिस। और नॉर्मली वैसे इसके थोड़े से अलग खास होते हैं, क्योंकि वो जो हमारे डिनर नैपकिन होते हैं ना, उनमें ये होता है कि वो कलर उनका निकल जाता है, तो हम ग्लू लगाएं या कुछ लगाएं ना, तो फिर कलर निकलने लगता है। सही, पहले हमें देखना होगा कि हम कैसा डिज़ाइन इस पर लगाना चाह रहे हैं कैंडल पे, तो मुझे ये दो जो फ्लावर्स के मोटिव्स हैं फ्रंट बैक ये कर लूँगी मैं। ये एक चैलेंजिंग चीज़ लग रही है, बिकॉज देखें ये फ्लावर्स की जो शेप है ये बड़ी रफ है, तो पता नहीं अब इसको यास्मीन कैसे करेंगी, हम भी सीखेंगे यास्मीन से कि किस तरह से इसको जो है वो काटना है। आप यहाँ पे ये कीजिए। वैसे तो जी मैं अभी, क्योंकि ये बड़ा करीब करीब है ना फ्लावर्स, तो इसलिए मैं सीजर्स का यूज़ कर रही हूँ, वरना हम इसको थोड़ा वही ब्रश से, मैंने पहले बताया था, पानी लगा के जिसके एजेस हटा देंगे। मीन वाइल मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये बॉक्सेस जो है टाइट है, कोई बात नहीं, आप आराम से करें, टेक योर टाइम। मैंने रियलाइज, बॉक्स थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा टाइट है ये, यहाँ पे बॉक्स देखिए। अच्छा, ये मुझे पड़ा एक, इसको देख कर ना मुझे जो बचपन में हम नहीं अपनी स्लैम बुक्स बनाते थे उसका ख्याल आ गया है। ये वेडिंग एल्बम है एक्चुअली, अगर आप खोल के देखेंगे तो इसके अंदर, वाह, इसको मैं खोल के देखती हूँ। वेडिंग एल्बम अगर इतनी कस्टमाइज्ड हैंडमेड बनी हो
उफ ये देखें कितना खूबसूरत है ये, आप एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने किसी और इसके अंदर सारे वो पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप जहाँ छोटा कहीं छोटी पिक्चर कहीं बड़ी पिक्चर इस तरह हर साइज़ की आ जाएंगे। आप यास्मीन अगर इसको कोई आपसे ख़रीदना चाहे तो उसकी क्या प्राइस है? इसकी 8000 है, ये थोड़ी बहुत मेहनत से बिल्कुल देखिए एक एक चीज़ जो है ना एक एक चीज़ हाथ से लगाई गई है मैनुअली लगाई गई है। और मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग से दिखाना चाहती हूँ, उस बुक पे मेरी नज़र थी और इस पे मैंने एक ऐसा पेज देखा जिस पे बहुत सारे लोग उससे जी ये भी एक्चुअली एक एल्बम है और इस बच्चों की एक्टिविटी भी हो सकती है इसके अंदर, और एक ये एल्बम कीप्स एक जर्नल बुक इस तरह कह लें, इसके अंदर पॉकेट्स हैं टैग्स हैं तो इसमें आप पिक्चर्स नोट्स कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर फ्लिप्स हैं इसके कवर के अंदर मज़े मज़े की इस पर चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इस पर लिखा हुआ है क्रेजी प्लीज आई एम क्लासिक विद अ ट्विस्ट। सो ये बहुत फन फन सी इस पर चीज़ें लगी हुई हैं। और इसके साथ जो मैंने पेज देखा था वो आई थिंक ये था कि मैं आपको वो पेज दिखाना चाहती हूँ, इट वॉज अबाउट अ कैट के होम इज़ वेयर माई कैट इज़, ऐसा कोई पेज मैंने देखा था। और ये भी देखें रिमेंबर वन आई आस्क्ड यू फॉर योर ओपिनियन या मी नीदर, जब कोई आपसे ऐसा कोई आपको मशवरा दे आप बोले नहीं चाहिए तो आप बोले याद है जब मैंने आपसे मशवरा मांगा था, दूसरे साल बोले नहीं आपके मुझे भी नहीं याद गुड वन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो कि इनके पास हैं एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड बाय द वे, ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और ये असल में मैंने वो इटली की डिज़ाइन टीम में हूँ तो ये उनका स्टॉक है, उसको मैंने डिज़ाइन करके शो किया था। अच्छा ओह नाइस नाइस, देखिए इस तरह की चीज़ें आपकी किचन की भी जो है वो खूबसूरती को बढ़ाती हैं। ये फोलियो कार्ड है बेसिकली जी। ओह जी मतलब फोलियो कार्ड ऐसा है इसमें आप वही नोट्स वगैरह पिक्चर कुछ भी रख सकते हैं कुछ इसको वही इसी तरह हम ये तीन प्लाई होते हैं तो हमें फर्स्ट प्लाई इसकी यूज़ करनी है। ठीक है अच्छा अब हम आते हैं दोबारा से हमारी कैंडल की तरफ बनाने की तरफ जो कि यास्मीन बना रही हैं, आप लोग साथ साथ देख भी रहे हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है बस हल्का सा हाथ गीला करेंगे। हाथ गीला करके आपने उस पर क्या लगाया? नहीं कुछ भी नहीं बस उसको निकालने के लिए ना। अच्छा। ऐसे करेंगे तो हाथ थोड़ा सा गीला करके ताकि वो एक शीट उसमें से निकल आए। सही आज नहीं निकलना है इसको, आज नहीं निकलना पर आराम से। हाँ निकल गए जबरदस्त। पता ये सारी चीज़ें हम आपको इस सेगमेंट में दिखा तो रहे होते हैं लेकिन ये बड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, बड़ी ही इत्मीनान से सुकून से करने वाली चीज़ें। अब पहले मैं हम देख लेंगे हमें कहाँ रखना है, जैसे थोड़ा सा ये हम जो है इसको कट कर देंगे बाद में और इतना पार्ट रखेंगे। सो ब्यूटीफुल ठीक है उसको कैंडल के हिसाब से जो है वो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये जो ट्रे है दिस इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, ये किस चीज़ के लिए है यास्मीन? ये रिंग ट्रे है जैसे आपकी मंगनी वगैरह एंगेजमेंट में आपने इसमें रिंग रख ली। वाह ये तो कितनी खूबसूरत, मैं काफी देर से देख रही थी मैंने कहा कैंडल स्टैंड तो नहीं है क्योंकि इसमें ये किस शेप के लिए है। सो वाओ रेजिन आर्ट है ये भी, मैंने भी करती हूँ रेजिन भी करती हूँ, रेजिन आर्ट से ये जो है वो बनाई गई है और हमने आपको शो में भी दिखाया रेजिन आर्ट किस तरह से हो सकता है। अच्छा जी इसको मैं वापस यहां पे रखती हूं, इस तरह इस पे रख के फिर इसके ऊपर पेपर आराम से ऐसे रखेंगे ताकि वो बीच में सिलवट वगैरह ना आ जाए। ठीक है वैसे हम अभी हमने इसको चिपका दिया है? नहीं चिपकाया नहीं है बस ये बटर पेपर लिया या वैक्स पेपर उसके बाद इसको फिक्स करके पीछे एक टेप लगा देंगे। इंटरेस्टिंग अच्छा अभी हमारा जो एम्बोसिंग टूल है इसे हम इसके ऊपर हीट देंगे वैसे तो मैं अब ये क्योंकि गर्म थोड़ा सा हो जाता है तो हाथ और कोई अभी इन्होंने ग्लू और ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। अच्छा बहुत ज़्यादा भी करीब नहीं लाना है क्योंकि अक्सर क्या होता है कैंडल मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी ठीक है ये जब अपना काम कर लेगा तो इसका रिजल्ट हम क्या देखेंगे कि क्या ये डिज़ाइन और प्रोमिनेंट होगा? वही होगा बस ऐसा लगेगा कि कैंडल के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है उस पर एम्बोज हुआ है उस पर स्टिक हुआ है तो जबरदस्त मुझे इसको देख के वो ख्याल आ रहा है जैसे हम कपड़े इस्त्री नहीं करते और जो बिल्कुल सेंसिटिव वाला हिस्सा होता है किसी कपड़े का उसके ऊपर कुछ रखे कपड़ा रखे हैं बिल्कुल लेकिन बस ख्याल ये रखना होगा कि हम बिल्कुल करीब ना जाएं और ज़्यादा
क्योंकि इसके तो लो फ्लेम होता है ना, हल्की हीट आएगी इसमें, देखिए नजर आनी शुरू हो गई। और अगर थोड़ा सा हमने तेज़ या एक आता है हीट गन, वो ना यूज़ करें। अच्छा, वो बहुत तेज़ उसमें से मतलब हीट आएगी, पूरी कैंडल मेल्ट हो जाएगी। ये जो मिनी ड्रायर आप यूज़ कर रही हैं, इसका नाम क्या था आपने बताया था? एम्बोसिंग टूल। एम्बोसमेंट टूल है ये? एम्बोसिंग टूल है ये। और ये भी आपको मिल जाएगा कैंडल ऐसी किसी शॉप से? हाँ, ये क्राफ्ट सर्कस पे है। क्राफ्ट सर्कस पे है, इसमें अनारकली पे भी है। सही, शेप्स डिफरेंट होंगे लेकिन इसका नाम यही है। ठीक है, वाह देखिए कितने मजे से इसने जो है वो हल्की सी हीट दे दी। ये कैंडल की शेप भी खराब नहीं हुई। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, आप इसको आराम से कर लीजिए। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उसका हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे, एंड हमारे साथ ही रहिए और जल्दी से वापस आ जाइए। कैंडल जो यास्मीन ने जो है वो लेकर आई थी, हमें उसका डिज़ाइन बनाना सिखाया और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है यास्मीन। तो अब इसमें क्या ये पेपर हटने वाला है? जी अभी हटाएंगे हम आराम से। ठीक है, आर्ट लिशेस के नाम से इनका पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्लेस एनी ऑर्डर, इनमें से कोई भी चीज़ आप जो है वो खरीदना चाहते हो सो। ओ वाओ, ऐसा लग रहा है वाकई ये कैंडल का ही पार्ट है। वैसे तो ये पानी से ही हट जाएगा। पानी से? हाँ, ये जो एक्स्ट्रा है ना हम उसको हटा देंगे। वाह क्या फिनेस है, ये इतना बारीक पेपर है कि जिस तरह यास्मीन उसको वो कर रही थी ना, निकाल रही थी, तो यकीनन एक बहुत डेलिकेसी का काम है। ये टिश्यू ही है, इसमें ख्याल रखना होता है कि वो जरा सा ज़्यादा भी पानी लग गया, ग्लू लग गई तो वो फट जाता है। जी सही। अब ये फ्रंट हो गया, इसी तरह हम इस पर बैक कर सकते हैं। वाह, तो मतलब बैक भी, लेकिन बैक हमें करके दिखाना है, इससे ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जो मेन चीज़ थी आपने इस तरह करके दिखा दी, सो 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 ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आपने कहा था कि एक स्टिक करने वाला ऑप्शन होता है और एक ये वाला ऑप्शन होता है, राइट? सो इसको इसका नाम क्या था? एम्बोसिंग डेकोपाज। ठीक है, सो डेकोपाज वाला जो ऑप्शन है आप क्या सजेस्ट करेंगी कि दोनों में से ज्यादा नीट क्या लगता है? मुझे तो पर्सनली ये ज्यादा, हाँ ये ज्यादा सही रहता है ना, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर ना ग्लू उसके वैक्स के अंदर ही मर्ज हो जाता है, तो वो जरा उभरा हुआ भी नहीं लग रहा होता। जैसे ये मैंने शायद यहाँ रह गया कहीं, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये देखें, आपको फील ही नहीं होगा कि ये कुछ अलग है। दोनों का मुझे लिटरली टेक्सचर तक सेम लग रहा है, मगर वो सारा प्रिंट जो है वो इस पे आ गया है। और जैसे कहीं से मुझे लग रहा है यहाँ से रह गया, तो थोड़ी सा और हीट देके कर दें, कर दें, थोड़ा सा उल्टा पकड़ लें ताकि आपके हाथ में उल्टा पकड़ लें, ऐसे पकड़ें। चलिए जी, ऐसे पकड़ें, ऐसे थोड़ी सी वो करिए, आपने हीट दिया, जहाँ जहाँ से हीट देंगे वहाँ वहाँ से ये उसके साथ लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यास्मीन कह भी नहीं थी कि आपने इससे ज़्यादा हीट नहीं देनी, कि इसकी कैंडल की शेप बरकरार है। इमेजिन करें कैंडल जिस पे शेप भी बरकरार है, उस पर कोई चीज़ हल्की सी गर्माइश से चिपकी भी रहेगी, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा इसको डेकोरेट करना है तो आपने नीचे यहाँ रिबन बांध दिया, यहाँ साइड पर बो बांध दी, उसके ऊपर आपने ये कुछ स्टिक कर दिया, सो ब्यूटीफुल भी हो सकता है। यास्मीन ये आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लग रही है बड़ी, जिस तरह आपने एक्सप्लेन भी किया इंग्लिश स्टाइल, बिल्कुल ये इंग्लैंड से ज्यादा इंस्पायर है, सारा वर्क वहाँ पे ज्यादा किया जाता है। जी बिल्कुल, वो जो विक्टोरियन स्टाइल थोड़ा डेकोपाज आपका एंटीक लुक और ये सब उसी में आ जाता है, एंटीक लुक विंटेज लुक। सो यहाँ पे भी ना मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में जो उनका बेडरूम भी होता है या जो उनका लाउंज होता है वो इस तरह की थीम होती है, तो ऐसी चीजें आपसे लेकर जो है वो वहाँ पे डेकोरेट की जा सकती है। कुछ लोग तो जाहिर है वो अपने थीम के हिसाब से कलर थीम जो भी होती है उस तरह फिर वो ऑर्डर्स भी देते हैं कि हमें ये कलर में चाहिए, हमें जो हमारा बेडरूम इस तरह का है या हमारा हमें वॉल हैंगिंग इस तरह की चाहिए, तो वो अच्छा रहता है, कस्टमाइजेशन भी हो जाती है, कस्टमाइजेशन हो जाती है, हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये वाली जो रेजिन रेजिन आर्ट टाइप है ये? नहीं, ये वाली तो वैक्स कैंडल है, सीमेंटेड है नीचे। अच्छा जी, ये मैंने इसकी क्या प्राइस होगी इस वाली की? फॉर इंस्टेंस 1000, इसकी 1000 होगी। सेम गोज फॉर दिस वन आल्सो, ठीक है। सो आप ये भी जो है वो इनसे ले सकते हैं, वन ऑफ अ काइंड है। और स्पेशली मैं कहती हूँ कि जब भी आप कभी ट्रैवल करते हैं, किसी और को कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में उनको कहीं और नहीं मिले, सो एक हैंडमेड चीज से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। उसकी बात तो अलग ही होती है, यूनिक होता है और फिर जाहिर है मेड विद लव एंड पैशन। मेड इन लव एंड पैशन, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, आज आपने हमें इतनी इंटरेस्टिंग एक चीज सिखाई है। एंड आई होप कि आप इसको चाहे शौक के लिए करें, चाहे आप इसको प्रोफेशन के लिए
करके करें लेकिन इसको इंजॉय करके करें. दैट इज द एसेंस. दैट इज समथिंग दैट वी रियली वांट टू टेल यू कि जो भी काम करें जिंदगी में पैशन के साथ करें. जैसे कि आपने आज हमारे गेस्ट से भी मिले, सर हाजम हमारे साथ थे. जो काम आप पैशन से करते हैं, चाहे वो कैंडल मेकिंग हो, चाहे वो डेकोर हो, चाहे वो एक सिटी में इम्प्रूवमेंट लाना हो, आपका पैशन जो है ना वो आपके काम में बोलता है. मुलाकात करेंगे आपसे एक नए दिन कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ और बहुत सारी बातों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों को अपने गाँव में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.